आगे बात करते हैं रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे इसको हम, कैसे किसी मैट्रिक्स को हम रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कोई सा भी मैट्रिक्स एसेलॉन फॉर्म में कब होता है और किसी भी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन अप्लाई करके उसे एसेलॉन फॉर्म में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कोई सा भी मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में कब होता है और किसी भी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगा के उसे कैसे रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग एसेलॉन मैट्रिक्स की तीन प्रॉपर्टी पढ़े थे कि कोई भी मैट्रिक्स उन तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उन मैट्रिक्स को हम एसेलॉन मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स की, तो एसेलॉन मैट्रिक्स की तीन प्रॉपर्टी तो रहेगी, एडिशनल दो और प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी में हम टोटल पांच, किसी भी मैट्रिक्स में हम टोटल फाइव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अगर वो मैट्रिक्स फाइव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में मैं डिटेल में समझाया हूँ एसेलॉन मैट्रिक्स को, एकदम डिटेल में। वो नहीं देखे हो तो पहले वो अच्छे से देख लेना, फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स को, पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स की, मैं बताया अभी कि जो एसेलॉन मैट्रिक्स होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को हम एसेलॉन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम बात करें रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स की ना, तो वो एसेलॉन मैट्रिक्स की तीन प्रॉपर्टी तो रहेगी ही रहेगी, साथ में दो एडिशनल प्रॉपर्टी और आ जाएगी। जैसे हम बात करें ए मैट्रिक्स इज इन रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म इफ इट हैज द फॉलोइंग फाइव प्रॉपर्टी। हम कब मैट्रिक्स को एसेलॉन मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स बोलेंगे, जब कोई मैट्रिक्स पांच प्रॉपर्टी, ये जो पांच प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इन पांच प्रॉपर्टी को अगर वो सेटिस्फाई करे तो उन मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है, एसेलॉन मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरोज। मतलब जो नॉन जीरो रो होंगे वो ऊपर होंगे और जो जीरो रो होंगे वो लास्ट में होंगे। बोलने का मतलब क्या, अगर मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है तो वो सबसे एंड में होना चाहिए, ये हमको पहला प्रॉपर्टी बताता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताता है, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो इज इन ए कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। मतलब क्या, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। क्या, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। ये हमको सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी बोल रहा है। देखो, मैं लीडिंग एंट्री क्या होता है, है ना, किसी भी रो में हम लीडिंग एंट्री को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये बात पिछली वीडियो में डिटेल से समझाया हूं मैं। अगर पूरी डिटेल से और समझना है ना, तो इसकी पहले वाली वीडियो को जरूर देखना। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ऑल एंट्रीज इन ए कॉलम बिलो ए लीडिंग एंट्री आर जीरोस। मतलब बोलने का मतलब क्या, लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए। बात समझ में आई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज वन। मतलब हमको देखो, तीन प्रॉपर्टी पुरानी, चौथी नई प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि हर रो में जो लीडिंग एंट्री होगा ना वो वन होना चाहिए, वन के अलावा और कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हुआ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इन ईच कॉलम दैट कंटेन द लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। मतलब जो लीडिंग एंट्री है ना, जिसको फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि हर रो की जो लीडिंग एंट्री है वो वन होनी चाहिए। तो अगर हम कॉलम वाइज देखें तो लीडिंग एंट्री के बिलो जो सारे डिजिट होंगे ना वो जीरो होने चाहिए। ये हमको फिफ्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है। अब हम लोग ना एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि किन मैट्रिक्स को हम एसेलॉन, रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हीं बातों को, हम डिटेल में एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, पहली बात क्या बोल रहे हैं, देखो
ये पहला पहला मैट्रिक्स है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स में है क्या। तो पहली प्रॉपर्टी हमको क्या बोलती थी, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि मैट्रिक्स में अगर कोई जीरो रो है तो वह सबसे एंड में होना चाहिए। इसमें कोई जीरो रो है क्या? नहीं है, मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। देखो ये लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री है, इस रो की लीडिंग एंट्री क्या है, ये है, इस रो की लीडिंग एंट्री क्या है, ये है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो बात क्या बोल रहा है हमको, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। देखो जो रो थ्री की लीडिंग एंट्री है वो रो टू की लीडिंग एंट्री के राइट में है ना। फिर से देखो, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हमको कि लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री है वो जीरो होनी चाहिए। देखो लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री हो वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यहाँ जीरो है ना, ठीक, समझ में आया। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी फुलफिल किया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि हर रो की जो लीडिंग एंट्री है ना उनमें डिजिट वन होना चाहिए। वो डिजिट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। देखो हर रो की लीडिंग एंट्री में, हर रो की लीडिंग एंट्री में जो डिजिट आ रहा है, अंक आ रहा है, वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। देखो वन है, वन है, वन है, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुआ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमको बोलता है कि लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी एंट्री जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी एंट्री जीरो होनी चाहिए। मतलब लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। देखो लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। देखो ऊपर भी जीरो नीचे भी है। लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी डिजिट जीरो होनी चाहिए। इसमें जीरो है ना, तो ये क्या है, हमारा रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स है। बात समझ में आई। जैसे सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहे हैं हम लोग को, देखो अब इसमें पूरी छह प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्या ये रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स है क्या। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है तो वह सबसे लास्ट में होनी चाहिए। क्या, अगर मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है तो वह सबसे लास्ट में होनी चाहिए। इसमें कोई जीरो रो है क्या, नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। जैसे देखो हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। राइट में है ना, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। राइट में है ना, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल किया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए। देखो जीरो है, लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए, जीरो है। थर्ड प्रॉपर्टी भी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, हर रो की जो लीडिंग एंट्री होगी उनमें यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। डिजिट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, हर रो की जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है, डिजिट क्या है, वन है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी डिजिट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी डिजिट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, जीरो है। लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी डिजिट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। मतलब ये भी क्या है, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में है। बात समझ में आई। नेक्स्ट को चेक करते हैं, थर्ड को चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है तो वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। देखो लास्ट में है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, किसी भी रो की लीडिंग एंट्री अपने ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। देखो ये लीडिंग एंट्री है, ये भी लीडिंग एंट्री है। किसी रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, जो कि राइट में है। इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टी हमको बोलता है लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है कि हर रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। देखो वन है, लीडिंग एंट्री वन है, यहाँ भी लीडिंग एंट्री क्या है, वन है। बात समझ में आई, ठीक। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है
उसके अलावा सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जीरो है ना, मतलब ये भी क्या है, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में है। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ, अब देखो फिर से छह प्रॉपर्टी। मैं बार बार इसलिए प्रॉपर्टीज को बोलता हूँ कि पूरा कंठस्थ याद ही हो जाए। मैं बार 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 प्रॉपर्टीज को इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब मतलब हम देख रहे हैं कि ये रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में है कि नहीं, मतलब ये छह प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया कोई मैट्रिक्स तो वो क्या होगा, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में होगा। तो मैं बार बार छह प्रॉपर्टी को इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं ना, तो याद हो जाए बार बार। जैसे हम लोग मैथ्स में कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कितने सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो इसीलिए ना जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई नहीं करने चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए। उससे क्या होता है, वो फॉर्मूला याद ही हो जाता है। इसलिए मैं प्रॉपर्टीज को भी बार 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 बोलता हूँ। बात समझ में आई? देखो ये वाला मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स को, फोर्थ नंबर के मैट्रिक्स को चेक करते हैं क्या ये रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में है क्या। पहली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स में अगर कोई जीरो रो है तो वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। इसमें कोई जीरो रो है क्या, नहीं है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ। समझ में आई बात? अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हर रो की लीडिंग एंट्री, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। ठीक है, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है लीडिंग एंट्री के बिलो, कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। देखो जीरो है, लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाई, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग को ये बोलता है कि हर रो की जो लीडिंग एंट्री है ना उसमें डिजिट जो है वो वन होना चाहिए। देखो हर रो की लीडिंग एंट्री में जो डिजिट है वो क्या है, वन है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमको ये बोलता है कि लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है, लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। देखो लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उसके अलावा सभी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। देखो इसमें सभी एंट्रीज जीरो है, लीडिंग एंट्री के अलावा कॉलम में सभी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। देखो जीरो है, लीडिंग एंट्री के अलावा कॉलम में सभी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मतलब ये सिक्स की सिक्स प्रॉपर्टी को ये सारे मैट्रिक्स सेटिस्फाई किए, मतलब ये क्या है, ऑल दिस मैट्रिसेस आर इन रिड्यूस्ड एसेलॉन मैट्रिक्स। बात समझ में आई? पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ? कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, उनमें चेक करते हैं कि क्या वो रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में है क्या, देखते हैं। देखो एक ये चार एग्जांपल्स और देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर वन को हम चेक करते हैं, क्या ये रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में है क्या, क्या ये मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में है क्या। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमको क्या बोलता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको ये बोलती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो रो है तो वो सबसे एंड में होना चाहिए। इसमें जीरो रो है क्या, जीरो रो नहीं है ना, मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। ये देखो लीडिंग एंट्री मार्क कर रहा हूँ मैं लीडिंग एंट्री मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, यहाँ लेफ्ट में है। ये देखो हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, यहाँ तो लेफ्ट है, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी ही फुलफिल नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया ना, मतलब ये क्या है, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। मैं क्या बोला था, अगर कोई मैट्रिक्स छः के छः, पूरी छः के छः प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में है। अगर छः में से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करता है मतलब वो रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है, मतलब ये मैट्रिक्स सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो ये मैट्रिक्स क्या है, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। बात समझ में? अब सेकंड एग्जांपल में आ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या क्या बोलता है हमारा, अब छः प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है तो वो सबसे एंड में होनी चाहिए। इसमें जीरो रो है क्या, नहीं है, मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, राइट में है। हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, मतलब राइट में है। समझ में आया बात?
सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जीरो है, लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होनी चाहिए वो क्या है, जीरो है। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री है वो जीरो है, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमको बोलता है कि हर रो की लीडिंग एंट्री में जो लीडिंग एंट्री का डिजिट है वो वन होना चाहिए। इसमें वन है क्या, नहीं है, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। ये एसेलॉन फॉर्म में है क्योंकि एसेलॉन फॉर्म की तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, ये एसेलॉन फॉर्म में है लेकिन ये मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई ना, तो ये मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि ये क्या किया, फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। मैं बोला कि कोई भी मैट्रिक्स छह में से कोई एक भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता ना, मतलब वो क्या है, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये क्या है, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। ये एसेलॉन फॉर्म में जरूर है मैट्रिक्स, लेकिन रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। अब हम लोग थर्ड में आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड में, इसमें कोई जीरो रो है क्या, नहीं है, मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है कि हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, ये बिलो में है, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। बात समझ रहे हो ना कि कैसे हम किस मैट्रिक्स को रिड्यूस एसेलॉन फॉर्म में बोल रहे हैं, किसको नहीं बोल रहे हैं, बात समझ में आई। अब फोर्थ में आ जाते हैं, फोर्थ को देखते हैं कि इस रो में, इस मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है क्या, नहीं है, मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, जो है हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, जीरो है। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, है। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होनी चाहिए वो जीरो, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि हर रो की लीडिंग एंट्री में जो डिजिट है वो वन होना चाहिए। यहाँ ये दोनों में है, इसमें नहीं है, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये मैट्रिक्स जो है रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। क्या ये मैट्रिक्स जो है रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। अब अभी हम लोग क्या सीखे कि किन मैट्रिक्स को हम रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में बोलेंगे, अभी हमने क्या सीखा कि किन मैट्रिक्स को हम रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में बोलेंगे, तो उसके लिए क्या करें, हम हर मैट्रिक्स में छह प्रॉपर्टी देखें, जो रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म की छह प्रॉपर्टीज को अगर कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में होगा, अदरवाइज नहीं होता। जैसे इन चारों की बात किए, ये चारों क्या थे, छह की छह प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, कोई एक भी कमी हो रही है, मतलब वो क्या है, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है। मतलब एक बात हमको ये पता चली कि हर मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली हमको कि हर मैट्रिक्स क्या होता है, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर हम मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन करें हम कि क्या हर मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में बनाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, किया जा सकता है। जैसे हर मैट्रिक्स को एसेलॉन फॉर्म में हम चेंज किए थे, कैसे चेंज किए थे, रो ऑपरेशन लगा के, क्या किए थे, रो ऑपरेशन लगा के। सिमिलरली अगर कोई मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में नहीं है तो हम उसमें रो ऑपरेशन लगा के उसको रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू रो रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म। देखो ये मैट्रिक्स अभी एसेलॉन फॉर्म में नहीं है, अब हमको इसको क्या करना है, एसेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो जो छह प्रॉपर्टी है ना एसेलॉन फॉर्म की, छह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस कंडीशन में हमको बनाना है। देखो सबसे पहला हम अपना क्या काम रहेगा, तो जो सबसे पहला हमको ये काम रहेगा, जो लीडिंग एंट्री है ना वो वन होनी चाहिए, और वन के अलावा उस कॉलम में ना जितने भी और नंबर है ना वो जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहला देखो, ये रो फर्स्ट है ना, रो फर्स्ट में लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। यहाँ लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। देखो तो हम यहाँ वन बनाने के लिए क्या करेंगे, लीडिंग एंट्री वन बनाने के लिए आर टू और आर वन को आपस में चेंज कर लेते हैं। और देखो हम इस मैट्रिक्स को क्या बना रहे हैं, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में। कैसे बनाएंगे, रो ऑपरेशन लगा के, रो ऑपरेशन लगा के, जो रो ऑपरेशन पढ़े ना हम, वो रो ऑपरेशन लगा के हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहला काम है अपना ये है
कि जो रो फर्स्ट है उसमें लीडिंग एंट्री है उसको वन करना है, लीडिंग एंट्री क्या करना है, वन करना है। अब यहाँ वन बनाना है मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर वन और आर टू को आपस में चेंज कर रहा हूँ, मतलब आर टू और आर वन रो को, किसी भी रो को हम आपस में, किन्हीं भी दो रो को आपस में चेंज कर सकते हैं ना, तो मैं एक ऑपरेशन लगा दिया आर टू और आर वन को आपस में चेंज कर रहा हूँ, तो जो आर टू है वो आर वन बन जाएगा, वन 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 फोर थ्री, और आर वन आर टू बन जाएगा जीरो टू थ्री वन फोर, और ये हो गया टू थ्री एट सिक्स वन, आर थ्री और आर फोर एज इट इज थ्री फोर फोर टू वन, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए, ये लीडिंग एंट्री हो गया, लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होनी चाहिए वो जीरो, ये जीरो है, अब इसको जीरो बनाएंगे। नेक्स्ट टर्म को क्या करना है, हमको जीरो बनाना है, तो देखो मेरे को इस रो के फर्स्ट टर्म को जीरो बनाना है ना, तो मैं इसका किसका हेल्प लूंगा, मैं आर वन का हेल्प लूंगा, समझ में आई बात, मैं आर वन का हेल्प लूंगा। वैसे ही हमको आर फोर में जो फर्स्ट ये, इसको क्या करना है, जीरो बनाना, क्योंकि लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होती है वो जीरो होनी चाहिए ना, मतलब टू और थ्री इनको भी हमको क्या करना है, जीरो बनाना है। तो मैं, मेरे को आर थ्री में ऑपरेशन लगाना है, आर थ्री में जो डिजिट है इसको जीरो बनाना है, मैं हेल्प किसका लूंगा, आर वन का लूंगा। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आर थ्री को माइनस कर रहा हूँ मैं आर वन से, टू से मल्टीप्लाई करके, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हो गया क्या, जीरो। वैसे ही आर फोर में एक ऑपरेशन लगाते हैं, आर फोर माइनस यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आर वन में। तो देखो करते जाते हैं, आर थ्री और आर फोर में ऑपरेशन लगा रहे हैं, मतलब आर वन और आर टू एज इट इज होगा, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, वन 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 फोर थ्री जीरो टू थ्री वन फोर। अब ध्यान से लगाते हैं, आर थ्री में यहाँ टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, टू से मल्टीप्लाई किया तो टू माइनस टू क्या हो गया, जीरो। यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो गया तो थ्री माइनस टू क्या होगा, वन होगा। यहाँ टू से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, एट माइनस टू क्या हो गया, सिक्स हो गया। एट माइनस टू क्या हो गया, सिक्स हो गया। यहाँ टू से मल्टीप्लाई तो ये हो गया फोर टू ज़ा एट, सिक्स माइनस एट तो माइनस टू। वैसे यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो गया तो थ्री टू ज़ा सिक्स, वन माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। बात समझ में। अब आर फोर में क्या कर रहे हैं, यहाँ से थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई किए तो थ्री माइनस थ्री क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई, फोर माइनस थ्री क्या हो गया, वन हो गया। समझ में आए, यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई हो गया, फोर माइनस थ्री क्या हो गया, वन हो गया, हो गया। अब यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई हो गया तो ट्वेल्व हो गया, टू माइनस ट्वेल्व तो क्या हो गया, माइनस टेन हो गया। यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई हो गया, थ्री थ्री ज़ा नाइन, वन माइनस नाइन, वन माइनस नाइन कितना हो गया, माइनस एट हो गया। ये हमारा एक काम हो गया, एक वाला रो। अब क्या है, देखो हर रो की लीडिंग एंट्री, ये लीडिंग एंट्री, अब ये वाले रो की लीडिंग एंट्री ये हो गई, अब इसको वन होना चाहिए, तो वन होना चाहिए, हम क्या करते हैं, फिर से R2 और R3 को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, हम R2 और R3 रो को आपस में चेंज कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 और R3 रो को क्या कर रहे हैं हम लोग, आपस में चेंज कर रहे हैं। बात समझ में आई ना, तो हम लोग देखो R2 और R3 चेंज होगा ना, R1 और R4 एज इट इज रहेगा। R1 को पहले लिख लेते हैं, वन 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 फोर थ्री, R2 जो है वो R3 बन जाएगा, मतलब इसको पहले लिखते हैं R3 को, 0 1 6 -2 -5 और 0 2 3 1 4 और R4 एज इट इज 0 1 1 -10 -8, ये एज इट इज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है अपने को, नेक्स्ट काम ये है कि देखो ये लीडिंग एंट्री है, यहाँ की लीडिंग एंट्री है, तो एक प्रॉपर्टी ये बोलता है कि लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, और हम लोग को एक और प्रॉपर्टी जो सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, मतलब ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। तो हमको इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। बात समझ रहे हो ना, क्या क्या जीरो करना है, कैसे करना है। देखो बच्चों, हमको ना इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। तो सबसे पहले किसको जीरो करें, R1 को। देखो R1 को भी हमको ये वाले पॉइंट को जीरो करना है ना, तो R1 को जीरो करना है हमको, वैसे ही R3 को जीरो करना है और R4 को जीरो करना है, मतलब पूरे रो को नहीं, सिर्फ ये वाले टर्म को जीरो करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं, मतलब
R1 और R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस R2 करेंगे ना, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। वैसे ही हमको R3 को भी जीरो करना है, ये वाले टर्म को जीरो करना है, तो मैं R3 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ? R3 माइनस 2 इंटू R2, मैं R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ। हम लोग जिस भी रो को हम लोग जीरो कर रहे हैं ना, तो सहारा किसका ले रहे हैं? R2 का ले रहे हैं। जैसे मेरे को R4 को जीरो करना है ना, तो R4 में एक ऑपरेशन लगाया क्या, R4 माइनस R2, R4 माइनस R2। बात समझ में आई? देखो इसको सॉल्व करते हैं ना, अब जो जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई करते हैं। देखो ये ऑपरेशन लगा दिए हम, अब यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है R1 माइनस R2, R1 में लगा रहे ना, R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही 1 माइनस 1 ये क्या हो गया, 0। वैसे ही 1 माइनस R1 में कर रहे ना, 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 लिख लो। 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है। अब R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे ना, R2 को हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, 0, 1, 6, -2, -5। अब R3 में लगा रहे ना, क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, 2 से, तो 2 - 2, देखो ये तो पहले 0 हो गया, 0, अब ये 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 - 12 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख दो। वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं ना, तो 5 × 2 = 10, 4 + 10 क्या हो गया, 14 हो गया। समझ रहे हो ना, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोग R4 में लगा रहे हैं, R4 माइनस R2, तो ये 0 हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, 1 - 6 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। वैसे ही -10 + 2 तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। वैसे ही -8 + 5 तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलो ये बात अब यहाँ तक पहुँची, ये बात कहाँ, यहाँ तक पहुँची, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है, ये लीडिंग एंट्री होगी नेक्स्ट रो की, तो इसको क्या करना है, 1 बनाना है। इसको क्या करना है, 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के बाद ये और ये हमको 0 करना है, तो इसको क्या करना है, हमको 1 बनाना है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, मेरे को R3 में ऑपरेशन लगाना है। हम लोग R3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, -1/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R3 को, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सिंपल सा। तो सबसे पहले वो काम करते हैं, 1, 0, -5, 6, 8, 0, 1, 6, -2, -5, और यहाँ -1/9 से कर रहे ना, तो ये 0, 0 ये हो गया 1, और ये हो गया -5/9, और ये -14/9, और ये एज इट इज होगा 0, 0, -5, -8, -3। ये हमारा यहाँ तक बात, सॉरी यहाँ तक नहीं, ये अब देखो क्या करना है, ये लीडिंग एंट्री हो गई, और फिफ्थ नंबर का प्रॉपर्टी हमको क्या बोलता है कि लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उस कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा और जितने डिजिट होंगे ना एंट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। बात समझ रहे हो ना, क्या क्या 0 होना चाहिए, ये 0, ये 0, ये 0। तो हम क्या करते हैं, तीनों को 0 करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को 0 करते हैं। तो सबसे पहले R1 को 0 करते हैं हम लोग। तो मैं R1 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, और सहारा किसका लेंगे हम लोग, R3 का ही सहारा लेंगे। मतलब हम लोग R3 मैट्रिक्स का यूज करके सहारा लेके हम क्या करेंगे, R1, R2 और R4 को क्या करेंगे हम लोग, जीरो करेंगे, ठीक है। तो मैं R1 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 + 5 R3, मतलब क्या, R1 इसको जीरो करना है ना हम, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहा हूँ। वैसे ही एक ऑपरेशन R2 में लगा रहा हूँ, R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 - 6 × R3, या हमको इसको जीरो करना है ना, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो जीरो हो जाएगा। वैसे ही अब हमको इसको जीरो करना है, तो मैं R4 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R4 + 5 × R3, तो R3 में यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे R4 में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। अब अप्लाई करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सबसे पहले R1 में क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 में R3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो 1, यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ये क्या होगा, 1 ही होगा, फिर 0, और फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग,
देखना ध्यान से, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा -25/9। देखो इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं, अच्छे डिटेल से कर लेते हैं। देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -25/9। -25/9 और हम लोग R1 से प्लस कर रहे हैं, तो R1 क्या है हमारा, +6 है, तो ये 9 6 ये 54 हो गया, तो -25 + 54 बाय क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे 54 और 25 को माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14 5, ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 4 4 में 2 गया, तो ये 29 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा 29/9 आ गया, ये आया ना डिजिट। तो हम लोग यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 29/9। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो -14। देखो ध्यान से ना, हम लोग यहाँ क्या, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें तो -70 upon 9, और यहाँ क्या कर रहे हैं +8 कर रहे हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -70 + 72/9, तो यहाँ से क्या बचा, 2/9 आया, तो यहाँ से यहाँ क्या आया हमारा 2/9। बात समझ में आ रही ना, एक एक डिटेल लिख रहा हूँ मैं, 2/9 हुआ। अब R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके हम लोग R2 से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 ही आएगा, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 माइनस 6 क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, R2 से माइनस कर रहे हैं ना, तो -2 देखो क्या होगा यहाँ, -2 ये है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, R3 में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, तो ये +30/9 हो गया, और 9 2 क्या हो गया, -18 + 30/9, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आया चेक कर, तो यहाँ से 12 12/9 आया, तो हम लोग 3 4 12 3 3 9, तो हमारा यहाँ क्या आया 4/3 है। बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग को, देखो R2 माइनस, यहाँ हम लोग -5 -5, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये +14 6 14 6 ये हो जाएगा 70 70 बाई, ये हो गया 9 9 5 45, तो ये हो गया -45 + 70/9। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ से फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, ये बनेगा 13/3 बनेगा, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 13/3। बात समझ में आ रही ना, पूरा एक एक डिटेल ही लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग R4 में क्या कर रहे हैं, R3 में 5 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 0, ये हो रहा है 0, यहाँ 0 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो R4 में यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या है -8, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस ये होगा 5 5 25/9, 18 9 73 9 72 -72 -25/9 हो गया। बात समझ में आ रही, तो ये क्या हो गया 5 2 7 और 7 2 9 -97/9, यहाँ क्या हो गया -97/9, तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, यहाँ से हो रहा है हमारा, यहाँ 0 0 0, अच्छा ये हम लोग R3 को तो एज इट इज़ लिखना है ना हमको, सॉरी ये तो एज इट इज़ आएगा -5/9 और ये -14/9, यहाँ क्या होगा हम लोग R4 में कर रहे हैं ना, सॉरी ये 0 0, ये 1 होगा ना, 1 -5/9 और -14/9, ये हो गया 0 0 0। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है हमारा -8 और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -25/9, हाँ यहाँ यही तो आया था हमारा -97/9, ये आया था -97/9, और इसमें भी करेंगे तो सेम -97/9, कैलकुलेट कर लेना, परफेक्ट ही आएगा।
कैलकुलेट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है हमारा, अब हमको इसको क्या करना है, वन बनाना है, इसको हमको क्या करना है, वन बनाना है, समझ रहे हो बात, इसको वन बनाना है। तो हम हमारे पास एक सिंपल सा क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आर फोर में एक लगा देते हैं, माइनस नाइन बाई 97 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आर फोर को, बात समझ रहे हो, आर फोर को क्या करते हैं हम लोग, माइनस नाइन बाई 97 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। डायरेक्ट मैं लिखूं, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सब एज इट इज रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, देखो बाकी सब क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, 100 29 बाई 9 2 बाई 9 ये हो गया 010 4 बाई 3 13 बाई 3 001 और ये माइनस 5 बाई 9 माइनस 14 बाई 9 ये हो गया हमारा 000 ये हो गया 1 और ये हो गया 1, बात समझ में आ रही है। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखो रिड्यूस्ड एसलॉन फॉर्म में बनाने के लिए हमको अब हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट क्या बचा, देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में होगी उस कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा और जितने भी डिजिट क्या होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, लास्ट ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो करना है ना, तो आर वन में क्या कर रहे हैं, आर वन माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, 29 बाई 9 से यहां मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, आर फोर में कर रहे हैं, समझ में आया, आर फोर में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही हमको R2 को करना है ना, तो R2 में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 4 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, किस में, R4 में, हम लोग क्या करना है, इसको जीरो करना है, देखो सबसे पहले हम लोग R1 में इसको जीरो करना था, तो मैं R1 में ऑपरेशन क्या लगाया, यहाँ 29 बाई 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस की, किस में, R4 में। वैसे ही R2 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, कि R4 में क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 बाई 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। वैसे ही अब क्या बच गया, R3 बच गया, तो हम R3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 में प्लस कर रहे हैं, कर देते हैं हम लोग 5 बाई 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ R4 में, बात समझ में। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो क्या है, इसका कैलकुलेशन करेंगे ना टाइम लगेगा, और वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ऑपरेशन परफेक्ट ऑपरेशन है। तो हमारे पास क्या, कौन कौन सी मैट्रिक्स आएंगे, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ जो आंसर है। देखो बच्चों, तो R1 में हम लोग कर रहे हैं ना, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, हमको इसको जीरो करना है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये तो एस ई टी सी रहेगा ना, मतलब 100 ये क्या हो जाएगा, यहाँ 29 बाई 9 से मल्टीप्लाई होके माइनस करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ हो रहा है 29 बाई 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो मैं इसका कैलकुलेशन कर ही देता हूँ, देखो 2 बाई 9 यहाँ होगा माइनस 29 बाई 9, तो यहाँ से क्या होगा 20 माइनस 27 बाई 9, तो 9 3 जा हुआ ना, तो माइनस 3 बचा, तो मैं यहाँ माइनस 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही हम लोग R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ 4 बाई 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो ये एज इट इज रहेगा 010, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ 13 बाई 3 है, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ 13 बाई 3 है ना, 13 बाई 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 4 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो माइनस 4 बाई 3, ठीक है, तो यहाँ से 3 बचा, 13 में 4 माइनस हुआ, तो यहाँ क्या बचा, 9 बचा, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ क्या आया, 3 आया, समझ में आया बात कंप्लीट। अब देखो R3 में लगा रहे हैं हम लोग, R3 में क्या कर रहे हैं, यहाँ 5 बाई 9 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं, तो ये देखो ये क्या होगा, 0 0, ये 1, ये क्या हो गया, 0। अब नेक्स्ट क्या हुआ R3 में ना, तो यहाँ क्या हो रहा है हम लोग को, देखो माइनस 14 बाई क्या है, 9 है, और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 बाई 9 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं, तो 5 बाई 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 14 माइनस 5, तो ये क्या हो गया, माइनस 9 अपॉन 9, तो यहाँ क्या बचा, माइनस 1 हो गया, अभी हो गया 0 0 0 1 और 1, ये देखो कंप्लीट आंसर आ गया, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट आंसर, और ये क्या है, एसेलॉन फॉर्म में है, ये 5 की 5 प्रॉपर्टी को क्या है, ये फुलफिल कर रहा है, बात समझ में आई, एसेलॉन फॉर्म की। तो कंप्लीट डिटेल में समझ में आया ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा ना, पूरा कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, देखो ये 6 के 6 प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है भाई, सॉरी 5 प्रॉपर्टी को। क्या होता है मैट्रिक्स में, अगर कोई जीरो रो है तो वह सबसे एंड में होना चाहिए, इसमें कोई जीरो रो है क्या, नहीं है, हर रो की लीडिंग एंट्री,
हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। हर रो की लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री है वो जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री है वो नीचे वो जीरो होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जो एंट्री होनी चाहिए वो जीरो, थर्ड हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है कि रो में अगर रो में जो लीडिंग एंट्री है वो वन होनी चाहिए। यहाँ देखो वन है लीडिंग एंट्री। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कॉलम वाइज लीडिंग एंट्री के अलावा और सारे डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कॉलम वाइज लीडिंग एंट्री के अलावा और कोई और सारी डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा सारी डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यहाँ भी देखिए, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, एसेलॉन रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एसेलॉन फॉर्म में ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो कन्वर्ट करना सीखे ना, कैसे कन्वर्ट करना है पूरे डिटेल में समझे, ठीक है। अब मिलते हैं आगे वीडियो में।